हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे, तो आज मेरे दोनों बेटे स्कूल नहीं गए हैं। बेटी गई है, उसका पेपर है, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट में मैंने चाय और टोस्ट बनाए थे। अब वो बेचारी जल्दी में वो भी नहीं खा के गई, तो अब देखते हैं आएगी 11:30 बजे, तब उसके लिए लंच तक बना के रखूँगी मैं। बाकी फिर जो मेरे कल लाइट चली गई थी, मैंने आपको कल बताया था कि मेरी कल लाइट चली गई, तो मैं अपने कपड़े धोऊंगी और अपने घर के काम जो है वो करूंगी, झाड़ू पोछे बर्तन जो भी है। उसके बाद पूजा भी मैं ही करूंगी, तो ठाकुर जी को भी मैं ही बैठाऊंगी। तो गाइस, मैंने कर ली है पूजा, तो अब मैं दिखा दी अपने लड्डू गोपाल आपको। ये देखो मेरे ठाकुर जी नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरे प्रभु जी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे स्वामी नारायण हैं, गाइज मैंने अब सारा काम करा है, झाड़ू पोछा बर्तन जो रोज का काम है। और अब मैंने अपने ठाकुर जी बैठाए हैं, मैंने आपको दर्शन कराए हैं, तो अभी मेरा बहुत काम रह रहा है। मैंने आज मशीन लगाई है, कल लाइट चली गई थी तो मेरे कपड़े रह गए थे, आज मैंने फिर कपड़े धोए हैं, तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो उसी में बिजी हो रही हूँ मैं। और अभी मेरी किचन भी रह रही है, बेटी गई है आज पेपर देने, उसका पेपर था। अब दो लड़के नहीं गए थे मेरे आज स्कूल, वो अपने आज घर पर ही, आज उनकी छुट्टी है, तो अब बना रहे, अब वो लोग अब उठे हैं तो उनके लिए बना रही मैं अब चाय। वो चाय पियेंगे, मैं भी चाय पीऊँगी, मैंने पूजा करी है, तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मेरी बेटी आ गई पेपर दे के, अभी से लग रही थी भूख, तो इसने अपने लिए चाय बनाई और यहाँ तक ब्रेड पकौड़े समोसे मंगवा लिए। अब भाई भूख मुझे लग रही, तो एक मैंने ले लिया, देखो तो आप भी खा लो। मेरी गैल मैंने चाय बनाई है, ब्रेड पकौड़ा और समोसे मंगवाए हैं, देखो समोसे और ब्रेड पकौड़ा। जो नौ दिखान दे रही हूँ, कह रही है मत दिखाओ हमारे ब्रेड पकौड़ा ने, अभी तो यू समोसा भाई खा रहे। तो अभी मेरे कपड़ा रह रहे हैं 2-3 बेर के, और अब दोपहर के बज गए 2, सुबह तक कम में लग रही हो, पैर में होगा दर्द, इतनी गुंजाइश है बस। और नागर साहब डोला है अपनी पार्टी खाते, आज भी उनकी पार्टी है भाई, है आज भी लगन में गई, हाँ किसी की लड़की की लगन गई, मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था आज, आज मैं थोड़ी बिजी ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे कपड़े कपड़े धोने, घर संभालना है, तो मैं नहीं गई। नागर साहब गए थे वहाँ पे। सुनिया नागर, देखो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, कभी कभी मैं काम करूँ, देखो मोए, अब मैं चून मान रही हूँ, मेरे भाई है, भूख लग रही है, तो मैंने भाई को रोटी बना रही हूँ, अब मम्मी को चाय बनाई है मैंने, अब शाम हो गई है, तो शाम का काम मेरा ही है, तो मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ अब, है ना बेटा, यही बोलना चाह रहे हो ना, एक बार दिखा दो कि हाँ मैं यही बोलना चाह रही थी, बोलना क्या है? सब पता है गाइड्स को है भाई। तो गाइड्स मैं अभी आई हूँ डॉक्टर के से, और नागर साहब जा रहे हैं पार्टी में, तो मेरी बेटी बना रही है खाना, और सवेरे मैंने सारा काम किया था, डॉक्टर फिर अपने बेटे को ले गई, बड़े वाले को डॉक्टर, उसकी तबीयत खराब थी। राम राम जी, जा रहे हैं फिर लगन सगाई, आज ये लगन सगाई ना छोटरी भाई साहब, डेली लगन सगाई, डेली डेली बहुत आ रही है, बस आप जाते ही रहे, बाकी वहाँ दिखाते हैं आपको। और भाई साहब हमारे आ रहे हैं, राम राम करते ना, ये मुस्कुराते रहे, बस देखो मिलते हैं। ये लो जी हमारे भाई साहब, एक बार मुझ देखो इनकी क्या धस हुए, हेलो राम राम तो कर, देख रहे हो कहीं, ऐसे थोड़ी आवाज जोड़ते बोल, देख लो जी कभी का बाल मिले, ये तो ईद के जवान हो गए, खाना खाए आगे बाल करते हैं। विनोद मावई जी है हमारे, मुझे बताओ तो देख बरो ये ओके जी, खा लियो खाना वाना, बस अब निकलेंगे, देख लो पार्टी के नज़ारे दिखाए तो, इनको आधे से ज़्यादा आदमी निकल गए, वैसे तो अरे 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 ये रहे हमारे भाई साहब, वो पूछ लियो खाना खा लिया, क्या बोले भाई साहब आ गए, और पापा ने कपड़े चेंज कर लिए, देखो मिलवाता हूँ पापा से। रोम रोम जी आ गए, खाए पी गए, कुछ ना खाए, झूठ बोल ना, झूठ ना बोल रहा, थोड़ा दो दो रोटी ली, पूरी ली, दो सब्जी का ही दिन की नहीं, ठीक है
वैसे और खाना सब बढ़िया है, काफी दोस्त वो यार वार मिले हैं दोस्त, एक हमारे मूछन वाले भाई साहब भी मिले तो हमें दिखाए भी, बहुत बढ़िया आदमी है। आप ये बताओ मेरे को सूरज कुंड के मेले में क्यों नहीं ले गए? तुमने तो मना कर दी, मैं कहा कर दो तेरी मम्मी तो पूछे मैंने बोली थी बात तेरी मम्मी तक तेरी मम्मी तो कही हमने सुनो पहले पूरी बात अपनी कहानी मत रखे कर आगे भाई यहाँ तो पूछी एक भैया तो पूछी कह रहे हमारा दूर नोट है हम ना जा बेकार है वो तो मैंने बोली थी पेपर खत्म होने के बाद चलेंगे पहले ही घूमिया दोनों हस्बैंड वाइफ ये मुंह में उंगली मत दे वे ठीक है यू मैडम हमें छोड़ छोड़ के भाग जा भाई देखी नहीं तुम मेरे को भी ले चलो तन्नी भी हम ना जा इतना टाइम नहीं है अपने पास यार मैं तो सही से लगने लगो यार आज दो तीन आदमी भी कह रहे हैं कह रहे आप तो सेलिब्रिटी से लगो मैंने कहा यार झूठ मत मैं मजाक मत करो यू देखे क्यों रो मेरे को भी जाना था मेले में अब नौ कुछ भी टाइम मैम इतना टाइम नौ अपने पास तेरी मम्मी ने रास्ते में कह दू तो मैं यहाँ माल लेगा वहा नहीं मैं ज्यादा तन भी लेगा समझ में आ गई बात इनने तो रोज को ड्रॉ में बना लिए दीखे ऐसे ना होगा जैसा हम कहेंगे वैसे होगी मैं यार मेरा कमाल है कहो देख कहो कर रही है या ऊपर को ले थोड़ी गाय हम मेरे पापा मेरे अच्छे से बात नहीं करते दो तीन दिन से इसलिए हम मैं नहीं दिखती आपको ब्लॉग में कैसे बात करें और नुकरो बेटा ठीक है तू आप डांट रहे थे आज भी मेरे को ना डांटेंगे हम गल भाई सुन लो गलत बात बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी या यू हो या मैं हूँ या तू हो या वो हो कोई भी हो ठीक है जी आप रोज डांटो डांटेंगे हम बाप हैं हम इंग्लिश में आई एम योर फादर समझ गए जी आप ना समझे तो मैं एक बाप समझ जाना चाहिए इतने में बात समझो गाइस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया प्लीज लाइक करें शेयर करें जैसे सब्सक्राइब करें थैंक यू।